आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर हो गई कि नहीं। अरे शर्म, अरे यार ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है, टेरर अटैक में शहीद हो गए, एक 24 साल का जवान शहीद हो गया, क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, क्या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य, और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद। सारे प्यार सत श्रीकाल जी। ऑन कमर्शियल नोटिस तुम्हें पता सी शाम में एक साडा गाना रिलीज होना सी गुड्डियां पटोले का टाइटल ट्रैक। सो जो बीती रात दे विच इंडिया दे विच होया पुलवामा टैरिस्ट अटैक होया, 40 to 50 की गिनती दे विच अपने जवान शहीद हो, सो उस वजह करके साडा जनरली मन नहीं करता पाया, दिल नहीं करता पाया अज असीं कोई नचण टप्पण वाला गाणा रिलीज करिए। सो असीं ट्राई करदे आं मोस्ट प्रोबेबली कल नूं जां जदों समां ठीक लगदा कि असीं ओह गाणा रिलीज करांगे, बिकॉज टाइम थोड़ा तुहानूं वी पता वी थोड़े दिन प्रमोशन वास्ते वी रहिंदे ने। सो बट जनरली अज मन नहीं करदा पाया किसी भी टीम मैंबर का कोई भी है, सो असीं इह गाणे रोकदे पाए अज फिलहाल दी घड़ी। नैक्सट अपडेट मोस्ट प्रोबेबली तुहानूं सवेर मॉर्निंग तक दे दांगे। सो मेरे वल्लों सारे जवानां नूं, उहनां दे परिवारां नूं महाराज भाणा मनम दा बल बख्शे ते उहनां दे सारिआं दी आत्मा में शांति बख्शे। महाराज सारिआं नूं चढ़दी कलाई चाहुंदे। What a way of life. Every evening you got to see your family. I just wished I got to see my parents soon. You celebrated festivals with lights and music. I celebrated with my comrades in bunkers. We both married. Your wife got to see you every day. My wife just wished I was alive. You were sent to business trips. I was sent on line of control. We both returned. Both wives couldn't control their tears, but you wiped her. I couldn't. You hugged her. I couldn't, because I was lying in the coffin with medals on my chest and coffin wrapped with tricolor. My way of life ended. Your continued. We both left home at 18. Jai. आज पुलवामा में 40 के ऊपर हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए। जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा हर हालत में। पर मेरे अंदर आज एक अजीब सा गुस्सा है उन लोगों के प्रति जो हमारे अपने देश के हैं लेकिन सेना का या हमारी सुरक्षा बलों का अपमान करने से चूकते नहीं हैं, अपने स्टुपिड एजेंडा या स्वार्थ के लिए घटिया से घटिया टिप्पणी करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ, वरना जनता सड़क पर उतर कर जय हिंद। कल मैं पूरा दिन बाहर थी। यूजुअली आई रीड दिस थिंग्स ऑन ट्विटर, बट जब मैंने
आज अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली लेट लास्ट नाइट, टुडे अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई रेड अबाउट इट आई वाज वेरी शॉक. तब तक काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स इस पर आ चुकी थी और यू नो द काउंट ऑफ सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देन द होल पॉलिटिकल ब्लेम दैट हैपेंस. बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी इट रियली हिट मी. लाइक फॉर सम टाइम आई रेड एंड आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. एंड दैट्स आई मीन CRPF जवान्स हु आर, मैं कश्मीर बहुत जाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. एंड द होल सिटी इज़ लाइक यू नो देयर CRPF जवान्स एवरीवेयर इन द स्टेट. एंड दिस वॉज मतलब कोई कैसे, कोई कह भी नहीं सकता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा. एंड ऑफ दिस डिग्री आई रियली होप दैट दे गेट जस्टिस. आई माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली. आई थिंक इससे ज़्यादा हम कुछ कह रहे हैं कि पोजिशन में नहीं है. क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ होती है और हर देशवासी को तकलीफ पहुंची इस बात से. बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिली को ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए. आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे. और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो. जी अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सिंटा के नाम, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सिंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ. इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है. तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में. वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू. एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. किस तरीके से बदला लेना चाहिए ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. 42 जवान्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अदर्स आर क्रिटिकली इंजर्ड. सो एसेंशियली देयर आर 42 फैमिलीज राइट नाउ हु आर इन मोर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इन यू नो ग्रीफ बिकॉज द जवान्स आर क्रिटिकली इंजर्ड. इट्स अ सीवियर डेंट इन आर नेशनल सिक्योरिटी. सो आई डोंट थिंक इट शुड बी टेकन सो लाइटली एज टू किस तरह बदला लेना चाहिए. वो है हमारे, वी हैव अ यू नो डिफेंस डिपार्टमेंट इन प्लेस एंड इट्स अ सीरियस मैटर विच यू नो नीड्स टू बी एड्रेस्ड सीरियसली. नॉट वाइल इट्स नॉट अ सब्जेक्ट दैट वी शुड ड्वेल्व इन टू राइट नाउ. जी well it's not only shameful and disgusting, and I know that a lot of viewers are not going to like this, but I'm a son of an army officer. My father was Lieutenant General K. Surendra Singh and he fought all the wars, and he used to always say that Pakistan will never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet, shoot them down. देखिए जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए वो बहुत ही कम है. 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि. जो उनके ऊपर गुजर रही होगी हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता. और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए. इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा. मेरे हिंदुस्तान के जवान हैं.
तो ये बहुत, ये प्लीज़ कृपया आप इस मैटर को इतना फ्रिवोलस ना करें। इमेजिन दोस 42 फैमिलीज हुज सन्स हैव पास्ड अवे, इट इज़ एक्चुअली अ डे ऑफ मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, बट दिस इज वर्क लाइक दिस है, शो मस्ट गो ऑन। अंदर जाना। पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं, जी पूरा देश गुस्से में है, हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंक के खिलाफ। आप एन एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा। अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा। थैंक यू। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ होती है और हर देशवासी को तकलीफ पहुँची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को, ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जी अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सिंटा के अंदर, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सिंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में, वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू, एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया फॉर दिस ओकेजन टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज हैपेंड एंड आई होप स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट इट एंड वी जस्ट डोंट डू अवे विद जस्ट लाइटिंग कैंडल्स, वी डू मोर अबाउट इट।